यहाँ पर हम लैब करने जा रहे हैं ऑटो समरी एंड ऑटो समरी की। आईपी एड्रेसिंग ऑलरेडी लैब पे डाल दिए गए और कनेक्टिविटी भी मौजूद है 12.1.1.2 R2 से भी कनेक्टिविटी है 12.1.1.1 23.1.1.3 और R3 से ही मौजूद है। R1 पर जो इम्प्लीमेंटेशन करना है वो करना है नो ऑटो समरी के साथ। कॉन्फिक्टी पर हम चले जाएंगे और राउटर ये IGRP एस नंबर इज 123 नेटवर्क 10.10.0.0 दूसरा 1.0 तीसरा नेटवर्क 3.0 और एक 2.0 और एक और नेटवर्क मौजूद है 12.1.1.0। नो ऑटो समरी यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा। R2 पे हम जाएंगे, R2 पर कॉन्फिक्टी पे जाते हैं। कॉन्फिक्टी पे जाने के बाद राउटर ये IGRP AS123 अगेन नेटवर्क 12.1.1.0 और ऑटो समरी है, थोड़ा वेट करें, नेबरशिप में फॉर्म लेना चाहिए। क्या हुआ था, तो बनना चाहिए था शो IPOs EIGRP में। नेवर बन चुका लेकिन मैसेज डिस्प्ले नहीं हुआ। R2 में शो IP राउट EIGRP के अंदर कितने राउट्स होने चाहिए, क्योंकि R1 पर नो ऑटो समरी है और R2 पे ऑटो समरी है। रिसीवर राउटर पर ऑटो हो नॉट हो डजंट मैटर, भेजने वाले पर डिपेंड करता है। कितने राउट्स होने चाहिए R2 पे, 10 के 4 राउट्स होने चाहिए और वो डी से आने चाहिए। EIGRP का कोड डी है, ठीक है। उससे पहले जो प्रोटोकॉल था EGP एक्सीलरेटेड प्रोटोकॉल ई, उसको डिनोट कर दिया गया था, जो पहले दो ISP के बीच में यूज होता था 1990 तक वर्ल्ड में, बट 1990 से लेकर आज तक BGP का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब अगर हम लेट्स से यहाँ पे R1 पे अगर हम ऑटो समरी लगा दें, अगर हम फीचर देखें अभी यहाँ पे, वैसे तो ऑटो समरी किया है, अगर हम R1 पे ऑटो समरी कर देते हैं तो ऑटो समरी करने से व्हाट विल हैपन कि R2 के पास जो 4 राउट्स आ रहे थे उनमें केवल एक राउट आएगा। और ऑटो समरी फीचर्स क्या होता है, बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है, एक राउट आ रहा है। बट जब हम नो ऑटो समरी कर देंगे R1 पे जाके तो वहां पे चारों राउट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो R2 पे इंस्टीड ऑफ सिंगल राउट अब ये 4 राउट आना शुरू हो जाएंगे। वेट करें थोड़ा सा, ये 4 राउट्स आपके पास मौजूद है। R2 के ऊपर है ऑटो समरी, तो R2 पे दूसरा प्रोटोकॉल का दूसरा आपके पास जो नेटवर्क है राउटर EIGRP के अंदर, राउटर EIGRP S123 यहां पर जो दूसरा नेटवर्क है दैट इज 23.1.1.0 और 20.20.0.0.10 20.20.20 और 20.20.30 ऑटो समरी है बाय डिफॉल्ट। हमने यहाँ पे नो ऑटो नहीं किया उसको। R3 पर आते हैं, R3 पर जाते हैं कॉन्फिक्टी पर जाने के बाद राउटर EIGRP AS123 और जो नेटवर्क है आपका 23.1.1.0 शो IP EIGRP शो IP राउट EIGRP शो IP राउट EIGRP
तो अभी जो हमने यहाँ पे रूट आपको लिखवाए थे कि R3 पर अगर हम राउटिंग टेबल देखेंगे तो R3, अच्छा R1 यहाँ लिख दिया गया गलती से, दैट इज R3। ये R3 की आउटपुट है, नॉट R1। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 10 राउट्स आपके पास, एक राउट आपके पास ये, दूसरा तीसरा, ये चार राउट्स आपके पास 10 के मौजूद हैं। 12 का नेटवर्क ये मौजूद रहा, ये मौजूद है, और एक नेटवर्क और 20 का। तो इन केस ऑफ दी EIGRP हमने बताया कि ऑटो समरी जो फीचर है वो इफेक्ट करता है अपने डायरेक्टली कनेक्टेड के ऊपर। बाहर से जैसे राउट्स आ रहे थे, यानी R2 के पास जो राउट्स थे EIGRP के, वो कितने आ रहे थे? 4 राउट्स आ रहे थे, दैट्स वाई वो 4 आपको भेज रहा है, ये 4 राउट्स से वो रिसीव कर रहा है। और नो ऑटो समरी कर देंगे व्हाट विल हैपन, तो तारे ही जाना शुरू कर देगा। यानी R2 के अंदर कॉन्फ्लिक्टी के ऊपर अगर हमने राउटर EIGRP PS123 के अंदर नो ऑटो समरी कर दिया तो ये सारे भेजना शुरू कर देगा। तो अब ऐसा करने से R3 के ऊपर सारे ही राउट्स जा रहे हैं, यानी 4 नेटवर्क 20 के होंगे, 4 10 के होंगे, 1 12 का। चार नेटवर्क 10 के आपके पास मौजूद हैं, 4 आपके पास 20 के, और 1 12 का मास्किंग 24 के साथ। तो ऑटो समरी जो फीचर्स है इन केस ऑफ द EIGRP जस्ट अपने डायरेक्टली कनेक्टेड पर ही सपोर्ट करता है, रूट पीछे से जैसे आ रहे होते हैं एग्जैक्टली उसी मैनर में आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है।